सरकार के आते ही हत्याओं का क्रम शुरू हुआ है लूट का सिलसिला चल निकला है इंदौर मंदसौर बड़वानी फिर गुना जिले में रेत खनन को लेकर हत्या उसके बाद बड़वानी जिले में ही भारतीय जनता पार्टी के एक और पदाधिकारी को लूट लिया अब यह दर्शाता है कि कानून और व्यवस्था लगातार ध्वस्त होती जा रही है ये गंभीर चिंता का विषय है और इससे भी गंभीर चिंता का विषय यह है ये कि सरकार में बैठे मंत्री जिम्मेदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं मैं अपने मंत्री मित्रों से कहना चाहता हूं वो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं वो अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करें वो जिम्मेदारी का परिचय दें वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ना करें नहीं तो प्रदेश का नुकसान होगा प्रदेश की जनता का नुकसान होगा राजनीति करने के मंच बहुत होते हैं लेकिन मंत्रियों को तो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए मैंने बिना मांगे सलाह दी है लेकिन यह अंतरात्मा से दी है मंत्री अपने दायित्व का निर्वाह करके प्रदेश की स्थिति को बेहतर बनाए यह मेरा आग्रह है कल मैं बड़वानी जा रहा हूं बलवाड़ी में जाऊंगा मनोज ठाकरे जी को श्रद्धांजलि दूंगा और हत्यारे अगर नहीं पकड़े गए तो हम वहां फिर संघर्ष का संखनात करेंगे आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है हमको आंदोलन करके खुशी नहीं है लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि जो हमें संघर्ष के लिए बाध्य कर रही है और वो हमारा कर्तव्य भी है गड़बड़ हुई तो हम प्रचंड विरोध करेंगे गड़बड़ नहीं रुकी तो